उत्तरकाशी में टनल में फंसे हुए मजदूरों को 60 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। टनल में फंसे 40 लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन 40 लोगों को लेकर देश भर में दुआएं भी की जा रही हैं और इनके परिवार वाले उस घड़ी का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं जब टनल से इनकी सुरक्षित वापसी की खबर आए। हालांकि इस बीच टनल में फंसे एक मजदूर से उसके बेटे ने बात की है। जानकारी के मुताबिक अपने बेटे से कुछ सेकंड की बातचीत के दौरान मजदूर ने अपने बेटे से परिवार के बाकी सदस्यों का हाल पूछा और उससे कहा कि वो चिंता ना करे और वो सुरक्षित घर वापस आएंगे। इसके साथ ही इस मजदूर ने अपने बेटे से कहा कि वो टनल में फंसे बाकी लोगों का भी हौसला बढ़ा रहा है। टनल में फंसे लोगों को लेकर एक जानकारी ये भी सामने आई है कि ये सभी बफर जोन में फंसे हुए हैं और उनके पास चलने और सांस लेने के लिए लगभग 400 मीटर का बफर स्पेस है। बता दें कि फंसे हुए मजदूर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। मजदूरों को पाइप के जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है और खाना पानी भी दिया जा रहा है। अभी मैं टनल के अंदर गया था और उसमें हमारे वर्कर्स से SDRF के द्वारा और हमारे द्वारा लगातार बातचीत की जा रही है। 10 बजे आज सुबह उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हुआ है और वो सभी लोग सेफ एंड साउंड हैं। उनके लिए जो भी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वो की जा रही है। कुछ दवाइयों की व्यवस्था भी CMO साहब के द्वारा अभी की गई है और उनको दवाई भी भिजवाई जा रही है। जहाँ तक रेस्क्यू की बात है, पाइप पुशिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ये अभी प्रारंभ होने वाली है प्रक्रिया। उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है और हम अपने स्केड्यूल के अनुसार ही प्रोग्रेस कर रहे हैं और होपफुली जल्दी ही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। सर, ऐसे भी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वहाँ कुछ लोगों को वोमिटिंग की शिकायत हो रही है। देखिए, अभी प्रिकॉशनरी हम कुछ जैसे ORS हो गया, कुछ वॉमिटिंग की टैबलेट्स हो गई, कुछ हेडेक की टैबलेट्स हो गई, क्योंकि वो लोग एक कन्फाइंड जोन में है। हालांकि कन्फाइंड जोन काफ़ी बड़ा है पर फिर भी एक कन्फाइंड जोन है, तो उसके लिए हम मेडिकल टीम के साथ बातचीत करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके और SDRF के साथ बातचीत करके जो भी प्रिकॉशनरी दवाइयों की आवश्यकता है वो हम भिजवाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। जी, जो रेस्क्यू का कार्य है वो लगातार चल रहा है और अभी एक सेफ्टी पैसेज या एक छोटा टनल अंदर पाइप के माध्यम से बनाने का प्रयास किया जा रहा है, एस्केप टनल। तो उसके लिए मटेरियल सभी यहाँ पे साइट पे अवेलेबल हो गया है। जो 800 mm डाया के पाइप्स हैं वो पहुँच गए थे रात में और अब उनके लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य अभी गतिमान है और उसके बाद उस कार्य को, एस्केप टनल बनाने के कार्य को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। सर, अंदर की स्थिति की जानकारी है, क्या हाल है उनके जो अंदर लोग हैं? सभी लोग सुरक्षित और कुशल बताए गए हैं। उन तक हवा और पानी, भोजन आदि की व्यवस्था भी हो पा रही है। कुछ खाद्य सामग्री उन तक पहुंचाई भी गई है और NHIDCL के जो अधिकारी हैं उनका बताना है कि वो कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं लगातार उनसे। सर, कितना अंदाजा, कितने दिन में रेस्क्यू करने की उम्मीद है? सर, डेफिनेट टाइम बताना इस समय पे मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है और जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी मिलेगी मैं आपसे इसको शेयर करूंगा। बता दें कि वही सुरंग का दौरा करने के बाद सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि फंसे हुए मजदूरों को आज देर रात या फिर बुधवार तक बचाया जा सकता है। दरअसल टनल से मलबा हटाने के दौरान ऊपर से लगातार मिट्टी गिर रही है जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हालांकि इसी वजह से अब टनल में फंसे लोगों को स्टील पाइप के जरिए निकालने की तैयारी में रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना, दो तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं, तीन तरह से। एक तो सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर भेजना, पानी, खाना, वो भेजा जा रहा है पाइप के थ्रू। दूसरा है जो हम मटेरियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं JCB से या मशीनें जो हमारी ऑलरेडी है उससे हम निकाल रहे हैं। तीसरा, देहरादून से ऑगर मशीन चली है जिससे कि हम बोर करेंगे, जैसे हम बनाते हैं ना सीवर लाइन बोर करके, उस तरह से बोर करेंगे और 2.5 फीट डायमीटर का पाइप डालेंगे और उससे लोगों को हम निकाल लेंगे। तो ये जैसा बताया गया 24 घंटे वो लगेगा पाइप डालने में, बोर करके पाइप डालने में। तो कल रात तक या परसों सुबह तक हम उम्मीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आ जाएंगे। क्या उम्मीद है सर उनकी इतने देर तक बचने की वहाँ पे? देखिए, बहुत लंबा स्ट्रेच है, लगभग 1.5 किलोमीटर ज्यादा स्ट्रेच है, उतने में ऑक्सीजन काफी रहती है। ऑक्सीजन हम भेज भी रहे हैं अंदर,
पानी भी जा रही है, खाना भी जा रही है, और अगर ऑक्सीजन नहीं भी हम भेज पाते तब भी जैसा बताया मुझे टीम एक्सपर्ट्स ने कि 5-6 दिन लोग सर्वाइव कर सकते हैं वहां का अंदर ऑक्सीजन जो अवेलेबल है। बहरहाल ऑक्सीजन हम भेज रहे हैं, कल परसों तक आ जाएंगे तो कोई दिक्कत। बता दें कि ये हादसा दिवाली के दिन यानी 12 नवंबर को हुआ था, जब यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सुरंग में करीब मलबा गिरने की वजह से 40 मजदूर फंस गए थे। टाइम्स 9 भारत डिजिटल की रिपोर्ट।